हांडी बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी की हांडी में ऐसे खिले खिले चावलों वाली लजीज बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेट्स ऑफ लव पर, और मैं हूँ मधुलिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धुल लें। मैं यहाँ आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें डालें एक चम्मच नमक, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटी चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, थोड़ी हल्दी और दो बड़े चम्मच बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते, और 2 फ्राई किए हुए प्याज, जिसे हम बरिस्ता भी कहते हैं। प्याज को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। अब मैं डाल रही हूँ आधी कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही 2 बड़े चम्मच देसी घी और 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर। बस अब इन सब को अच्छी तरह मिला लें और ढक कर 1 घंटे के लिए रख दें। ये दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका है, और अगर आप मेरे इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो यकीनन आपकी बिरयानी हमेशा परफेक्ट बनेगी। और अब बारी आती है चावलों को उबालने की। तो उसके लिए मैंने बिरयानी राइस को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, और अब एक कढ़ाई में पानी उबालेंगे और इसमें डालेंगे हरी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, दालचीनी, आप चाहें तो तेज पत्ते भी डाल दें। साथ में डालें थोड़ा नमक और तेल। हम यहाँ 2 कप चावल ले रहे हैं, जो लगभग आधा किलो है। याद रखें कि एक परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए जितना चिकन डालते हैं उसी के हिसाब से चावल की मात्रा भी होनी चाहिए, और जब पानी पूरी तरह उबल जाए तभी चावलों को डालें। हमें चावल को आधा ही पकाना है, यानी 70% तक। चावल जब पक जाए तब किसी छोटी जाली वाले बर्तन में छान लें और अच्छी तरह फैला कर रख दें। अब मिट्टी की हांडी में तेल गर्म करेंगे। आंच को मीडियम ही रखें, नहीं तो हांडी चटक भी सकती है। और अब इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन डालेंगे और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा नमक और डाल देंगे और एक वुडन स्पैचुला की मदद से इसे चलाएंगे। चिकन और दही मिलकर इतना पानी और तेल रिलीज करेगा कि ये उसी में आसानी से पक जाएंगे। ध्यान रखें कि हमें चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, और जब ये आधे पक जाए तब इसका एक हिस्सा अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे, और बाकी बचे चिकन के ऊपर पके हुए चावलों की एक लेयर डालेंगे। साथ ही डालेंगे कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते, थोड़े से गुलाब जल, और साथ में डालें बरिस्ता। और इसी तरीके से हमें चावलों की 2 लेयर बनानी है। हमने चावल और चिकन को 70% ही पकाया था, बाकी अब ये इस हांडी में दम पर पकेंगे। आपको पता है कि इसे दम बिरयानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धीमी आंच पर पकाए जाते हैं, और दम का मतलब होता है स्लो कुकिंग। और मिट्टी की हांडी में पकने से इस बिरयानी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। और आखिर में डालेंगे एक खास चीज़, ये है दूध और केसर। मैंने 1/4 गर्म दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर रख दिया था। केसर जो है वो नेचुरल फूड कलर का काम करेगा, और आप सब तो जानते ही हैं कि हमें किसी भी खाने में स्वाद, सुगंध और सेहत तीनों का ही ख्याल रखना चाहिए। अब मैं एक पुराने तवे पर इस हांडी को दम लगाने के लिए रख रही हूँ। मैंने इसे फॉइल पेपर से कवर किया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब बस आधे घंटे तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। हांडी तवे की हीट से ही गर्म होगा, जिससे कि ये बिरयानी सही तरीके से पकेगी। तो ये देखिए, तैयार है आपके लिए एक लजीज बिरयानी, और ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो दोस्तों, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आती है टेस्ट करने की बारी। तो इस बिरयानी को रायते के साथ परोसें और खाने के मज़े लें। मिलती हूँ आप सबसे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।